मॉर्निंग, हरिओम, जय भारत, जय उत्तराखंड, परी भाई पाड़ी ब्लॉग तय की। अब हम शुरुआत करना सवेरे की समुदाय सेवा स्वामी अतुल्य देवभूमि उत्तराखंड। अरे देखो चाय पीना था। अरे डांडी कांटी माँ गाँव में गया आज आपको ब्लॉग कर लग जाते हैं, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अतुल्य देवभूमि उत्तराखंड का खातिर अपना गाँव कुटार खातिर तो आज एक दिनचर्या की रैली ककबड़े रैली ब्यालो छोमत पसंद पाल साइड बताए रचुल तक है। फर्स्ट क्लास चुरकनी दाल देखने बोले मोटे जो हमारे घरों को बटोल देखा देखा चुरकनी मोटी दाल काला भट्ट रलो मिशो तो अतुल्य देव हूँ उत्तराखंड धारो को हमारू नाणू नहीं तो क्यों हम धाराल पानी ला भी खानू खोला भी देख चूल्हो को हमारे खानू तो बढ़िया अतुल्य देव हूँ देखा काली बदलो को स्वाद ही कुछ और छू प्योर ऑर्गेनिक जन हम बोलता भट्ट दाल और मोटा अनाज में ताकत के बुन क्या बने आप लोग दिखाना आप अतुल्य देव मूत्र खंडा मरी गाँव उठा देखा फौज साहब को बैग रहना चाहिए देखा सर 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 लैगी देखा वो आर यू देखा अपना गाँव आएगी अभी देखा बॉर्डर में बटा के इन हूँ मेरा अतुल्य देव मूत्र खंडमा गाँव उठा रहा ये देखा कर सरकाना चाहिए अपना बैग फौजी नई नई छुट्टियाना चाहिए देखा जो हमारे पहले भी लाइव वीडियो मापल देखो कि ये लड़कों बहुत ही मेहनत कर रही है ये गाँव उठा मार रोड में देखा जब दौड़ था तो तब बड़े में दिखाण जो आपते अब ब्लॉग मत डलदा थोड़ा सा आज तो परी भाई पहाड़ी ब्लॉग तो दिखना था बढ़िया दिखा मोर गाँव उठ्यार सिंचना घर यो देखा पौजी साहब आएगी नहीं पाउडर बटा ये अतिथि देव बहुत अपना सत का लोग छ हम अतुल्य देव बटा अपना गाँव उठ्यार बटा तीय चिंते गाँव को बैग बढ़िया ये बढ़िया देखा हमारे चुरकड़ी दाव एक आनंद लेना था अचार के साथ आई देखा हम यू बीजा मैडम जी सलबुल सलबुल लगे जिन बड़ा बड़ा गप मनी जिन इन होना अतुल्य देव हूँ हमारा उत्तराखंड में अरे देखा बढ़िया चुरकनी दाल देखा आपने दिखाने बोलिया भादगड़ी दाल दिखो हम खाना जा इन अतुल्य देव हुआ देखा जब हम लोग करना चाह अपने खेती बाड़ी रंगना तब जाए हम तक खानों को मौका मिल दो ये अतुल्य देव हूँ उत्तराखंड अपना गाँव गुठार में तो बढ़िया बैठे थे देखा हम देखो अपने गुठार में स्वादी कुछ और स्वरोजगार से जुड़े आयु भी देखा बुआ रोड चल गया अपने बाकी लेजर खिलाए थे कुछ ये रोटी ख्याल वेल देखा डबल रोट खानो देखा बढ़िया अतुल्य देव मई नून देखा वो इधर डकाणो जाना जिन डांडो भूमि उत्तराखंड हमारे डांडी कांडी मई नून देखा बखरू डाल हम चढ़ दिखे तुम्हारे देखा ये बखरू बुकटे चू बकरी देखा मतलब गुड्डी बकरी जी बोलिया परवेंद्र सिंह चौहान जी अरे खाने जी कमो हैर पत्ता घूम लो आई बकरी आय का सोर्स हमें निकाल सदा एक बड़ो मोटो पैसा कमा सदा हर अपने गाँव गुठार बच सदा इन देखा बैजी जी कमी घूम देखा मछिन बकरा बड़ा नामी कामी लोग छिन देखा इन्होंने जन हमारे गाँव बंदे ना हमारे गाँव गुठार मे दामी कामी तो नामी कामी छिन हमारे गाँव का बीड़ी का सुटो काना जिन्हें गाँव में तब बकरी चढ़ना जिन्हें देखा बढ़िया अतुल्य देव उत्तराखंड में बढ़िया हाँ अतुल्य देव भूमि उत्तराखंड घास गडोली चौको में बंदी लीला घसारी गाना भी सुना तुम डांडा बड़ा देखा गाजाना हैरू घास ये देखा गडोली गाना भी लगे छिन आज इन घास गडोल छिन देखा आज यू छिन बैठे देखा फौजी साहब है तब बोलो तब तुम के बुना छा भी अब लूणा गाड़ी खानो था तुम हाँ अच्छा तो घ्यो कन मा खान तुम कदा गोल पकड़ तुम्हारा पता गोर पा जिन हाँ बस अत कत कत मान दूध दिन जो तुम्हारे गौड़ दुई दह मान दिन अच्छा अच्छा तो बुआर थे दे दें एक टप टप गिलास किले किले तो देखो सासु सासु भी कभी मतलब बुआरी छह बुआरी भी कभी सास हो तो अच्छा तो गाँव का तुम्हारे भाभी जी गाँव गगोड़ सिंह धना मतलब कि तल्ला तो गगोड़ सिंह तल्ला देखा यूं गाँव जो भाभी जी को तो खैरी लगाना चाहिए कदा साल हुए तुम्हारे एक साथ मतलब कदा टाइम हुआ बत्तीस साल तो बत्तीस तैतीस साल में तुम लोग कद लकड़ू घास काटी मतलब बड़े जंगलों अच्छा तो भैंस पाली तुम अपना जमाना में तो सा सा बारह भैंसों खूब दूध पियो तुम्हारे घी भी खाई हाँ हाँ तो वही बुनो स्वामी तो अभी अभी खेती बाड़ी कद कच
अच्छा तो लड़ बालों सब भी होगी एक लड़का रही जो देखा भाभी जी को आ एक लड़का को आ रही माँ से देखा हमारो बेटा आज तो लड़कियों को सब शादी होगी ना तो देखा ये नोंदा मर आते लग दिए घुमा तो ये खैरी लगाना थी और मतलब तुम अब घर में भी खुश सामला पड़ा ना मस्त हाँ तो सब कुछ रुट चा मिनी दी नोन देखा आते लग दिए घुमा तो बल सब कुछ मीनू देखा अब ना देखा वो जिन ना देख चाची ये हाँ तुम बोला कि मतलब तुम गहरम सका था टाइम बटे चाची हमारी खैर हाँ तो बल गहरम तुम तक खूब लगो तक होता है ठीक मतलब जब बच्चों चल जान बोला अच्छा तो घर ही मत ठीक है ना अच्छा आप मतलब आप जरा टहल हुए जान जरा से भी घास लकड़ो बिल्कुल अच्छा हाँ आप हैंस के लिए बिल्कुल 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 तनका खिनीच हाँ तो देखा इन जगह पुराना लोग जिन अतुल्य देव भूमा हमारे इन उनके बुना चिन खेल लगा रहे सब कुछ अच्छा अच्छा तो आलू 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 भी बोला तुम्हारे लगे यहाँ भी आगने को तो गोणी बांध रहा हूँ थोड़ा सी वो चाहे हम थोड़ा सी केयर च डांडा मूल क्या चाहे कैल तो बंदरों गोणी को देखा ये वो जो हम भी बोलता कि देखा अतुल देव भूमा थोड़ा सा हम लोग जो कना अभी वो हम तक मिल दूनी हाँ तो कार ऐसा थोड़ा नहीं लगा नहीं डेरा बना कि थोड़ा सा इधर भेजा ना लो ठीक ठाक हाँ तो अतुल्य देव भूमा अपनी सब कुछ तीन कटा लो देखो भाभी जी का भेजा तो आप तुम्हारा अभी घर में आप प्याज तो लगा लग ना प्याज प्याज और टाइम होना अच्छा अच्छा तो धन्यवाद थोड़ा सी आप हम गांव गुटार बड़े छापड़ा गाँव ही कराम सब कांडे तले बड़े तो आप सुनो कि देखा हमारे दिन पुरानों को देखा कैसा से निकले छिन आ यू डांडी कांटे पूरी रिटिंग जिन जो देखा डांडो में आपको दिखाना चाहिए तो दूर तक हमारा डांडो चु आई बड़ा पूरा डांड कांटे बड़ा कि लकड़ घास लाना छिन देखा क्या चीज बुकटे चीज बकरी हुई आ एक जोट हुए छो हुए देखा काल बुकटे वाला वो मुरिया वो गिरी हो ना तो जब चरा लिया तो बड़ा अतुल्य देव वहाँ बड़ा नुकसान जिन पुड़ता हम देगा आ बैज की बकरी देगा गुणी अब बच्चा गाँव का घसेर देखा ये नौ नंबर अतुल्य देव भूमा बढ़िया देखा घासा गड़ो हैरा हैरा गड़ो गड़ो ने माता दूध दूध पीण बड़ो आसान नहीं होती देखा इन गहरों को गड़ू दूध हाँ ना ना गाँव गाँव है दिन आएगा दिन ये देखा बढ़िया अतुल्य देव उत्तराखंड में हमारे इन हूँ घास ले जाने देखा गोर को तो बड़ो कठिन से सरल जीवन हमारा ये उत्तराखंड में हूँ गाँव गुटार में अतुल्य देव उत्तराखंड में देखा हमारे गाँव गुटार में डबरी बुटे बड़ी गर्म करा अब देखा यू हर नमक को स्वाद ही कुछ और थे तो हम ही जो जगह देखा अपने जीवन यापन करना हाँ हाँ अभी ख्याल हम एक चटचड़ी चाय बने फर्स्ट क्लास अतुल्य देव भूमा इन हमने मतलब गाँव क्या था तो आप लोग भी निश्वासी अपना गाँव गुटार में स्वराज स्वरोजगार से जुड़ा जाना बड़ा पटवाल जी फिर लबिलो आप आकर देखो तो नमक रोटी को स्वादी हैरू धनिया हरी माँ कई प्रकार हमारे अपने जो साग सगल मौत वहाँ बड़े जो नमक हाँ मजे कुछ और टेस्ट लाजवाब तो जुड़े हैं आप हम लड़के उत्तराखंड स्कूल दिन आप लोग यार कह रहे ये बच्चा नल है खाली स्कूल बटाना छिना भी अब ये गार देना भूख लगे तुम दे अच्छे दिजाम तेज बोल भूख लगे देखा हमते भी नहीं लो लेट हो जाते कुरकुरा खाना छिन्नू पटवाल जी की दुकान अच्छा तो देखा इन देखा पूरा बैज लगे जिन तो बैज हमारा टाइम मानी छाई देखा बच्चों को बैज लगे जिन तो कदा से लगड़ा दिन प्यारा प्यारा तो अपना बचपन का दिन आप लोग याद करा आयु देखा यू मनोज बैगुल्ला होने तो देखा हमारो और ये को हमारो पूरा रोड तो मैं अभी जानू था मैं तो अच्छी लगी आज देखा पूरा एरिया तो अतुल्य देव उत्तराखंड गाँव कोठार बैठा हम देखा यू बना दिन बाय बाय बोल दो थोड़ा बच्चा बाय बाय चाची कख जानी छा अभी घूमनो क्या खोड़े अच्छा तो चाची गाँव का तुम्हारो ना ना वो गाँव का बैत तो डूंगरी जब खाना छिन लोग मुंगरी तो हमारी चाची डूंगरी से देखा आ तो मतलब अभी तुम दाई मैं अपना घर में बड़े लगो ना तो नौ नौ बाल पसंद खा मारा दिन मेरे
हत देखा आई हूँ नमरा तुले दे उत्तराखंड डांडी कांठियों का रहवासी हम तो चाची मिल गया तो चाची अभी नला खाल जानी चाहिए तब घूम कामयाब है जाने दिल। अच्छा तो आज के बना शाम को स्पेशल अच्छा न चाचा नहीं मिनी में ना ना तो केक के बना आज खाना मा तुम आलू गोभी की भुजी बना ला चाची और घरे बोड़ी देखा घरे बोड़ी बड़ो लंब प्रोसेस नवा मिल दिखा जाप देखी अरे धन्यवाद चाची तो बोड़ी सा खा खंड डांडी कंठ कर रहवासी तो घाम अब अच्छे बैठ गया तो पोड़ी रूम को डांडा धारू मा घाम अच्छे गे तो सुमा है निहोने सुमा डांडा ना जा तो डांडी कंठियों का रहवासी बड़ी अतुल्य देव उत्तराखंड तो अभी हम चौड़म खड़े आ जा तो यू ग्राम सभा दरखिल को रास्ता एक बड़े जान दो आयु देखा ये ना खोल अरिपुरु नागराज को मंदिर पूरु एक हम अमर यू देखा ये रोड भी चल गया एक बटा की आर यू दरखिल को ना ग्राम सभा दरखिल भैंसों ने टच गो आई बढ़िया रोड एक बड़ा हम लोग जैसा था ये रोड कटी चिक बड़े देखा अतुल्य देव भूमि उत्तराखंड डांडी कांठी देखा कतका बढ़िया लगनी चिन्ह रौंतेली और रौंतेलू हमारो मुलुक यू अतुल्य देव भूमि तो आप लोग थोड़ा खुद बिसरा अपना एरिया की तो यू देखा कतका अच्छा लगनो हमारो गाँव को उठा लेकिन तो अब दे दी तुम्हारा उन गाँव का जे काका भला उन भैंसरों का चाह तो मैथ का खाद सिंह सर्कल तो खाद सिंह सर्कल तो देखा एक बड़ा पौड़ी गढ़वाल में पुड़ दो तो ये जो हमारो ना बड़ा के वो क्या बोलते हैं अस्सी को खाल माओ को मेल अभी तो लग दू ना एक हाँ और वे का बाद घंटा मेल अभी लग दू ना अब वो आलो अगले अगले में ना तो वो बगल है दीदी का कचू गो उत्तर काश कह जगह लम गो उत्तर काशी जो देखो बड़े पूर्व मतलब भगवान जो अमर के बोलते ये पांचों धाम के नाम से तो बड़े नजदीक मैं भी गयी छाऊ को और वो क्या गाँव क्या छू मंदिरों से मुखी नागराजा देखा हम जो आ तो वो खा गया जिंदगी का दीदी तो तुम देख वो हमारे एक पौड़ी गढ़ हम कन लग दू बड़े उत्तर काशी बड़े कत कर दू अच्छू जी रौतेलू लगनो छे मतलब है देखा अतुल्य देव माँ हमारो गाँव को उठा जो चार आप गाँव छे अनुभव था अब दीदी लोग आपका जाना तो घूमने पड़े हाँ तो देखा दीदी लोग घूमने जाना थी तो आप गाँव एक गाँव को नाम भैंसरो ना तो भैंसरो साथ ही देखो ककर गया टीरी छोड़ी को ना उत्तर काशी तो बड़ा चिंत दीदी तो धन्यवाद और आप गाँव तो पैडल सिंह निश्चित बड़ा चिंत बड़ा घंडाल देवता कृपा जी का घंडालो मेला तो जैल आप थोड़ा सा जब मेला वाला अच्छा हाँ तो ये जो रही रोड आप दिखने बगल बड़े दिए बार थोड़ा कुछ बोल कर वहीं मतलब तुम देखा लो अच्छा हाँ बड़ बुरा हाल सीन देखा तो टू पिलर वहाँ हम लोग जब जाना था हम जब जाना था पशु निकाल तो पूरी रोड खराब तो तुम क्या मांग करना था मतलब कि जी एकदम हाँ हाँ पूरी मतलब ये था कि पूरी पेंटिंग दोबारा से और अच्छी हो मतलब हाँ हाँ जो कुछ भी मतलब हम जो प्रधान गण भी छिन्न जो हमारे क्षेत्र पंचायत छिन्न या जिला पंचायत छिन्न सब सहयोग दिन हाँ हाँ सब कुछ मतलब सही चले सक दिन तो देखो हम लोग रात बीतन लोग एक नौकरी चाकर में पौड़ी जाना छिन्न लोग तो थोड़ा सा दिक्कत दुख होंगे कि हम ये उत्तराखंड में छे जहाँ पर बड़े रिस्क से हम लोग अपने जीवन यापन करना था और दीदी देखा इतना दूर धार बटा देखा मेरे घासा बीड़ो ब्यावल देखो लग रहा चलिए गोमड़ा मिल ब्याह डलनी तो बड़ो देखा हमारो जो गांव बचे जो जो देखा ये देखा महिला शक्ति और उनकी वजह से हम लोग अपना ये गाँव में अपड़ू आप जीवन यापन करना चाहिए नीच बड़ा देखा कठिन से सरल जीवन में अतुल्य देव उत्तराखंड में बोल दो और दीदी बुनिच खुद की देखा अभी तक जब निश बैठा तुम तो खैर पैडल सिंह कह पर थोड़ा सी तुम लकड़ू घास मतलब इतना काटी होलो पर थोड़ा सी रिस्क तो होंगी जी जो अगर तू पाखो में आप लोग घास जाना तो मतलब डैर भी होंगी है ना तो भेल में देखा तो डैरी खुना जना गारा भी हुआ ना तो हाँ तो देखा नले खाल बटा के पसंद खाल देखा बुरा खराब रोड तो धन्यवाद दीदी देखा अभी हम दड़ी अम्बिली छाई घुमा तब मैं चल दो थोड़े से देखा आप तले दे दान दीवाना लोग हमारा बैठे हैं देखा या हमारे मतलब दादी के बोर्ड के बन में ना फूफू अब फूफू हमारी मतलब मुँह भुखानी खूब है अच्छा तो दिन देखा छू लग दिन हमारा अतुल्य देव गाँव उठा वहाँ दिन बैठा दिन देखा ये देखा बढ़िया सब कुछ बैठा जिन एक इन हूँ नंबर अतुल्य देव होना छू छुआ को छू कभी पूर्ण होने पुराना लोग छिन देखा छू लगाने देना मुफा दो खानी ए फूफू ये ना दिख दे मतलब खूब है मुफा दो खाए ना जिन तीन हूँ देखा ये अमर फूफ जेठान अरे वो आप गाँव का इना साइड में बुढ़ी
रैदुल रैदुल फूफो को मैथ आरु फूफो को अब बुढ़ी के बोन में उड़ेगी। हाँ तो ये मेरे माँ का देखा उचिन जे के बोन। हाँ बोल 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 छुट्टी गोदाम भर छुट्टी जिता आप मतलब जेठी बोन मिल देख ले बड़ी से ले स्कूटी माँ आप देखा तुम देखा तुम छोप धरा नंबर अंडा देखा तुझे देख घूम तेरे बड़े देखा घर अंडा ये नौ दिन देखा। जिंदगी की लड़ाई हार गए थे, एनडीए में सेलेक्ट नहीं हुए, केवल देहरादून तक जाने के पैसे थे, लौटने के पैसे नहीं थे। आप में से कितने लोग ऋषिकेश गए हाथ उठा के बताइए। बहुत लोग गए हैं। अब की बार दोबारा जाओ या नए लोग जाओ तो देखना, वहां शिवानंद आश्रम है। उस शिवानंद आश्रम के पास एक बड़ी शिला है, नीचे माता गंगा बहती है। शाम के समय जब पैसे नहीं थे तो सोचा कलाम साहब ने कि बहन के गहने गिरवी रख के आया था, सोचा था पायलट बन जाऊंगा, जहाज उड़ाऊंगा, सिलेक्शन नहीं हुआ, अब वापस जाने के पैसे नहीं है, ऐसे जीवन का क्या फायदा, आत्महत्या कर लेता हूं। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, पढ़ना उनके अग्निगुड़ान, विंग्स ऑफ फायर, उसमें लिखा है कि मैंने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लेता हूं। शाम के समय टहल रहे थे इसी उद्विग्नता के साथ के कूदूं, संध्या करके आरती करके माता गंगा को प्रणाम करने के लिए स्वामी शिवानंद जी निकले। उन्होंने देखा एक लड़का टहल कदम कर रहा है और बिल्कुल कोने पे आके रुकता है। पुराना अनुभव ज्ञानी आदमी तपस्वी संत पहचान गए। बोले बेटा एक सेकंड रुक यहां। प्रणाम महाराज। क्या हुआ बेटा यहां से कैसे घूम रहा है, गिर जाएगा नीचे गंगा है। आंख में आंसू आ गए। स्वामी जी ने कंधे पे हाथ रखा, बेटा क्या बात हो गई, कहां से आए हो। महाराज केरल से आया हूं। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा फिर अंदर चल, तू तो मेरे आद्य शंकराचार्य के गांव से आया है, अंदर चल, ये सनातन धर्म है, ये भारत है। कलाम साहब अंदर आ गए, भोजन कराया, सारा पूछा, जाने के पैसे नहीं है, आत्महत्या करना चाहता था। स्वामी जी ने कहा उदास मत हो, जाने का किराया मैं दे देता हूं, जा दोबारा मेहनत कर, तैयारी कर, कुछ और कर। सुबह जब जाने लगे तो प्रणाम करते हुए स्वामी जी से बोले कि आप तो ज्ञानी हैं, आप तो साधु हैं, आप तो संत हैं, एक सवाल पूछ लूं। इस एक सवाल ने भारत को वो हस्ती दी जिसके कारण आकाश में हिंदुस्तान की बादशाह दुनिया के किसी भी बड़े मुल्क से ज्यादा है। इतनी नई कंपनियां अमेरिका खड़ा नहीं करता जितनी हम मिसाइल फेंकते हैं आकाश में, पूरी दुनिया किराए पे मिसाइल फेंकवाने आती है हमसे, श्री हरिकोटा से। तो कलाम साहब ने कहा एक प्रश्न पूछ लूं। शिवानंद जी ने कहा हाँ बता बेटा। कलाम साहब ने कहा कि आप तो सब कुछ देख रहे हो, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, भगवान ने मुझे इतना खराब क्यों समझा कि मुझे एक नौकरी नहीं दी। जो उन्होंने उत्तर दिया उस पर हम कलाम साहब को स्मरण करेंगे। शिवानंद जी ने कहा नहीं नहीं तू असफल नहीं हुआ है, भगवान ने तुझे नौकरी इसलिए नहीं दी क्योंकि भगवान ने तुझे इससे भी बड़े किसी काम के लिए सुरक्षित रखा है। उत्तराखंड में तो हमारी काली बदली में बनी ऊंचा छीमी को साग, सॉरी छीमी की भुजी खोला अभी रोटी दगड़ी तो देख लिया कल खाना हम अरे जेल खरे गया देखा। ओम जय भारत जय उत्तराखंड परी भाई पहाड़ी ब्लॉग थे अब हम समाप्त कर दा और हमारे ब्लॉग का नाला आप लोग थोड़ा सी देखा दाना दीवाना लोग छिनवे माँ आज और हमारी जो युवा शक्ति हमारी माता बहन सब भी आपसे मिले ली तो आज का ब्लॉग था हम समाप्त करना तो आप लोग मस्त स्वतरा जगम जा कुटुंब दरी परिवार के साथ बाय बाय टेक केयर अपना ध्यान रखें फिर मिला नेक्स्ट ब्लॉग में।